अरे भैया राजन सौ स्टेटस भैया मैं मिल पा रहा हूँ किराए में हमन रात रहे हाँ। तो राजन भैया स्कूल से पढ़ के आत रही थी हाँ। तो मोर संग में जो ना कुछ भी बेचे पर जात रही हाँ। पौर साल की बात बताता हूँ हाँ। इसी साल की बात नहीं हाँ। जब अध्यक्ष इस भैया है हाँ। तब मैं वहाँ गे रहा हूँ हाँ। तो राजन भैया देखे तो मैं देखे तो राजन भैया खाना वाना खा के उठ के मुला गले लगा ली इसका दे दे पुराना सेठ आगे वो तो संपन्न परिवार के आदमी रही सब कुछ संपन्न रहा एकदम दाऊ घर के आदमी है नौकरी कहाँ पर करती थी वो शौक रही हाँ। कि अपन पैर में खड़ा करना अपने हाथ पैर मजबूत करना मतलब राजेंद्र भैया नहीं वो अपन दिल नहीं बुलाए हाँ अब राजेंद्र भैया जिसे मैं कहता हूँ प्रत्याशी अपन दुर्ग शहर में आना चाहिए हाँ मोर राजेंद्र भैया बहुत मेहनत करे भैया कुल्फी नहीं खा पी जी खा लेगा भैया नहीं वो आप ला बताओ हमें थोड़ी बताओ राजेंद्र भैया ये मलाई है मलाई डुबा है नाना ने बहुत खान तो उस समय तो बहुत सस्ता कुल्फी रही नमस्कार जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ और जेन जेन लइका मन कुल्फी खाए हुए मतलब पता हुई ये घंटी के आवाज़ जैसे घंटी की आवाज़ बजते सब अपन घर ले बाहर निकल जाए और 2 रुपया 3 रुपया उस समय की बात है 2 रुपया 3 रुपया दे के लोग है ना कुल्फी खरीदे चार आना हाँ चार आना 10 पैसा 50 पैसा ठीक है। अब आपका सवाल हुई कि आज कुल्फी वाले के इंटरव्यू कहाँ ले हुआ था यशवंत साहू जी है तो मेरे आप लोग बता दो कि कुल्फी वाले के पास खड़े रहे हों और बात करत 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 निकल गए ये राजेंद्र साहू के सेठ राजेंद्र साहू कांग्रेस के प्रत्याशी दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस नेता है जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रही से और ओकर सेठ से गोट बात करा था यानी कि अब समझ लो सेठ का बार कहा तो यूँ बताऊँ आप ला और कुल्फी वाले राजेंद्र साहू सेठ कैसे हो सकते ये भी आपके सवाल हुई तो आप लोग बताऊँ भैया राजेंद्र साहू सेठस भैया मैं मिल पा रहा हूँ किराए में हमन रात रहे हाँ। तो राजन भैया स्कूल से पढ़ के आत रही थी हाँ। तो मोर संग में जो ना कुल्फी बेचे पर जात रही तो सब मेरे 10 पैसा 4 आना 8 आना वाले कुल्फी हमन बेचत रहे तो राजन भैया 10 रुपया देते रहे हाँ। दिन भर मोर संग किंजरत रही यानी कि यहाँ नौकरी करे है हाँ मोर संग किंजरत नौकरी करे है मोर संग हाँ। और कम से कम 2-3 साल मोर संग रही थी राजन भैया हाँ। और का बोलते कि दिन भर हमन कुल्फी बेच के 6 बजे 7 बजे घर आ जाते रहे हाँ। डेली के हमारे मन के दोनों भाई के नियम रही थी हाँ। 8:30 से 8 बजे आ जाते रही राजन भैया और हमन 6-7 बजे तक कुल्फी बेच के घर आ जाते रहे राजेंद्र साहू जी उम्र का रही सोई राजेंद्र साहू की उम्र रही सोई 14-15 साल की उम्र रही सोई हाँ तो मोर 10-12 साल की रही मतलब हाँ 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 हम जोली हम दोनों कतक दिन चला था ठेला हो गया मतलब काफी दिन हो गए भैया 12 साल की उम्र से ठेला चला था तो आज कतक साल है आज मोर 54 साल की उम्र चला थे मतलब 40 साल हो गए हाँ 40 साल हो गए हाँ 40 साल हो गए अच्छा अच्छा तो मतलब उस समय आपके नौकरी के कतक साल ठेला चलाए साहू जी राजेंद्र भैया मोर कम 3-4 साल चलाए भैया हाँ यानी कि राजेंद्र साहू कुल्फी तक बेचे हाँ मोर संग बेचे भैया ऐसे ना हाँ 10 रुपया रोज भी दे हाँ 10 रुपया देते रहे 10 पैसा 4 आना 8 आना कुल्फी बेचाते रही उस समय हाँ। ठेला दोनों निकलो हाँ एक ठेला दोनों नहीं ठेला हमारे 2 ठक निकलत रही एक ठेला नौकर अलग से लेकर रही थी और एक ठेला हम राजेंद्र दोनों जन जाते रहे कुल्फी खाए तो राजेंद्र साहू कुल्फी खाए हुई बहुत बढ़िया और राजेंद्र भैया हमारे जो है बैंक में जब वो रही तो अध्यक्ष रही तो मैं पैसा जमा करे गए बैंक में तो राजेंद्र भैया बासी वाले अगर त्योहार नहीं रहते 1 मई के काली जन कल खाई हाँ तो पौर साल की बात बताता हूँ इसी साल की बात नहीं जब अध्यक्ष इस भैया है तब मैं वहाँ गे रहा हूँ हाँ। तो राजन भैया देखे तो राजन भैया खाना वाना खा के उठ के मुला गले लगा ली इसका दे दे पुराना सेठ आगे पुटार ली हाँ एकदम पुटार ली सब मतलब कार्यकर्ता जितना बैंक के है हाँ। अध्यक्ष मन रही हाँ। सब मन के सामने मोला जो ना पुटार ली हाँ। ये मोर सेठ है भैया हाँ मैं बोलो नहीं हाँ सब ला बताइस भैया बैंक के पूरा जितना मन रही सब मन ला बताइस भैया अब मोर आंसू आ गए एकदम से कि बताओ राजेंद्र भैया मोला ऐसा ऐसा पतला दे थे आज भी मतलब कहीं भी आदमी मिलते अभी मार्केट में मिले रही से अभी 2 महीना पहले हाँ। तो कम से कम 100-200 आदमी खड़े रही से होकर सामने मोला पुटार के सब ला बताए कि मैं मोर सेठ है भैया मैं केर पास में काम करे हूँ हाँ। राजेंद्र भैया नहीं पुराना दिल नहीं वो अपन दिल नहीं बुलाए
नहीं बुलाया। हाँ, अब राजेंद्र भैया जी से मैं कहता हूँ प्रत्याशी अपन दुर्ग शहर में आना चाहिए। तो राखी डबडबा के याद कर पुराना दिन। हाँ, मोर राजेंद्र भैया बहुत मेहनत करे भैया, वह ईमानदार आदमी है, वो लड़ना थंडा वाले आदमी नहीं है वो। कांग्रेस पार्टी है प्रत्याशी। हाँ हाँ, का लगा था जीत जाइ जीतना चाहिए भैया बोला, काबर के हमारे बचपन के यार है, काकरो संग कोई तरह के वो नहीं करी भैया, अच्छा सब लोग बड़ा अच्छा सोचे हुआ। हाँ। और जीते प्रत्याशी है वो। हाँ। वो अपन छत्तीसगढ़ के जीते हुए प्रत्याशी है भैया, मगर अब बोला जो है ना बड़े बड़े लोगों के आगे होकर नहीं चली, तो बेचारा हार गए। हाँ। नहीं होकर जिसे महापौर के चुनाव में। हाँ भैया, 2009 के 10 तक कब की बात है अभी तक मैं नहीं बता सकूँ। हाँ, 9 के बाद ना, तो मेरी से। हाँ भैया, सब बोला याद है। हाँ याद है, हम चौक कर आइसक्रीम बेचा थे उस समय में। हाँ। गुपचुप ठेला में हम काम भी करे हूँ। हाँ। मैं 9 साल की उम्र में काम करे हूँ। हाँ। वो आकर बाद मोर सुरेंद्र यादव नाम है मोर। हाँ। डिप्रापारा वार्ड नंबर 39 के रहने वाला हूँ। हाँ, यही नहीं, यही डिप्रापारा रे। अच्छा। ऊपर डिप्रा, नीचे डिप्रा। हाँ। चांदमारी डिप्रा इसे बोलते हैं। चांदमारी डिप्रापारा में मोर बचपन गुजरी जी। हाँ, दरबार के पास। हाँ, हाँ, उमर मोर मामा घर है रे उमर। अच्छा। अभी बने है माता निकले इसे, शीतला माता निकले, हमारे वही मेरे खेला खुद। फिर हमें फिर अभी 2012 ले मैं बर्तन दुकान में लगे भिलाई में, तब ले छोड़े दो साहब कामला। और बहुत अच्छा चुनाव रिस होता है, माहौल अच्छा रिस है। हाँ। और बढ़िया मौका रिस हुआ, जीत गिर रिस है। फिर कुछ घपला पानी हुई से लाइन, हाँ लाइट लाइन गोल हो गई रिस है। फिर 10-15 मिनट बाद एकदम से ऐसा जश्न, उसमें तैयारी हो रही बोलते। हाँ, लोगों की तैयारी पहले से थी, इसीलिए जो ना 10-15 मिनट के लिए लाइट गोल किए। और इसी में बेचारे का हार गए। नहीं, राजेंद्र भैया जी आज महापौर रहती थे, आगे और आगे भैया बनती थे। अब तो चलो सांसद चुनाव लड़ा, अब सांसद चुनाव है हमारे भैया ला, सबको आना चाहिए भैया ला, हमला आना चाहिए। हाँ, हमारे भैया छत्तीसगढ़ में आना चाहिए। और ओके जी से प्रत्याशी हमारे दुर्ग में अभी कोई नहीं है। ठीक है, राजेंद्र साहब के बारे में कुछ बताना, मतलब वो तो स्कूल पढ़त पढ़त तो यहाँ नौकरी करत रही से, और का खास है तो घर में बाकी जो है मतलब पता नहीं है हमारे दर्शक मतलब। राजेंद्र भैया का कभी मतलब किसी के, वो तो संपन्न परिवार के आदमी रही से, सब कुछ संपन्न रहा, एकदम दाऊ घर के आदमी है। हाँ, हाँ। नौकरी का कर दी से यहाँ पे वो ओकेर शौक रही। हाँ। ओकेर कि अपन पैर में खड़ा करना, अपने हाथ पैर मजबूत करना, मतलब। हाँ। लोगन ये तो नहीं कहे कि नहीं लफूटे लड़का। अच्छा। वो अपन अपन आप लोग कभी जो है ना। हाँ। वो बड़ा आदमी नहीं समझी, तो हरदम घर वाले मना नहीं करते रहे। कोई नहीं, कोई नहीं, हम तो खुद घर जाते रहना, आते रहना। हाँ। खाते रहना, पियत रहना, ओकर मातारा में याद करते। हाँ, आज भी इंटरव्यू ले रहा था, बता दी इसकी कुल्फी बेच रही से। हाँ, हम तो पूरे घर में आज जाते रहे। हाँ। और आज भी राजेंद्र भैया की माँ मेरे को बहुत मानते और जाते रहन। अब हम का कम से कम 30-35 साल हो गए हमारा छोड़े, तेजे बैजनाथ पारा में हम घर बना लेन। तो घर बना लेना, पुराना घर मिल पा रहा में, मिल पा रहा। हाँ हाँ, तो इतनी अमन जो है ना दाऊ से जमीन घेरा करके अमन घर बनवा ले रहे। हाँ, हाँ। तो यही तरफ रहे लगे, उतनी आना जाना कम हो गए। ठीक है, तो कुल्फी नहीं खाओ भाई जी? खा लेना भैया, खाना का। और इंटरव्यू लेवा तुम्हें कुल्फी नहीं खाओ? काबर नहीं खिलाऊ भैया, कैसे तहुल बतावे? नहीं, वो आप लोग बताओ, हमें थोड़ी बताओ। राजेंद्र भैया ये मलाई है, मलाई डुबा है नाना ने भूत खान। तो उस समय तो बहुत सस्ता कुल्फी रही। जबरदस्त काका, आनंद आ गया। हां लो भैया, आप भी लो ना। कैमरा चला दे भैया, भैया कैमरा चला थे। ले ओ में तू भी खा, आनंद है, मजा आ गया। लेना घंटी, घंटी बजाओ का। अरे वाह, ये जो घंटी है ना बहुत बढ़िया, ये जो घंटी की आवाज सुनकर लइका मन बाहर निकल जाते हैं। हमू निकलत रहन और एक से गोट बात करे मौका मिली, बढ़िया अच्छा लगी। से गोट बात करे में बहुत अच्छा लगी भैया। भैया हमारे राजेंद्र भैया ला जरूर याद करू भाई, हमारा तो काम है, हम सब याद करते हैं। और राजेंद्र भैया आना भी चाहिए, क्योंकि देखो हमारे इंदिरा मार्केट में जितने फुटपाथ हैं, अभी लहर है मोदी की लहर में निकल गया। नहीं तो कायदे से मार्केट की जो जितनी भी दुकानें हैं, ये दुकानें कांग्रेस की वजह से सब टिकी हुई है। हाँ, हाँ। है ना। और आने वाले समय में सरकार नहीं आएगी तो देख लेना, फिर रोजगार हो जाएंगे जितने हैं भाई। हम लोगों को फुटपाथ पे जो है ना रोजी रोटी तो हम लोगों को चल ही रहा है भाई, उतना तो हम लोगों को परेशान। सुरेश कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता जी, चलो। हाँ। सुरेश कुमार गुप्ता जी से गोट बात हो गए है, बढ़िया। और कुल्फी तको खवा दी से, और हमारे चुनावी चर्चा, चुनावी यात्रा जो स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स दूल्हे साहब, जहाँ दूल्हे सस्ते और केसरिया फैशन, जहाँ पे
एक से बढ़कर एक कपड़ा मिलते हैं तो बढ़िया गोट बात मन जाइए बने बात लगे भैया। चलो आप हमारे गोट बात कैसे लगे राजेंद्र भैया ला सब कुछ जो है ना सहयोग करो भैया। एक गांव वाला जो है ना दुर्ग शहर के जो है ना विधायक बनाओ भैया आपके दिल की इच्छा है। तो हमारे गोट बात किसी लगे जरूर कमेंट करके बताऊ। और राजेंद्र साहू के सेठ हरे तो खेल इंटरव्यू भी आना रही से काबर की गुल्फी वाले के पास खड़े रहो भैया अपन परिचय दी सके राजेंद्र साहू तो मेरे साथ जो है काम किए हुए है मैं उनके पास वो रहा हूँ 3-4 साल कार्य करे भैया। चलो हमारे बातचीत किसी लगे कमेंट करिए जरूर बताऊ। जय हिंद जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।